वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे आज के अपडेट्स। तो पहले तो थोड़ी पीपीएस जो आई है वो देखेंगे, साथ ही साथ एक अरायो कैन की एक अपडेट आई है फ्रॉम देयर हेल्थ कैनेडा, वो देखेंगे उन्होंने क्या कहा है उस स्टेटमेंट में ट्विटर पे। तो पहले तो ये देख लेते हैं, नॉन एस टी एस 5.5 थे वन मॉड्यूल में, वीज़ा उन्होंने लगाया था 24 मई को, उनका मेडिकल हुआ था 5 जून को, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 22 जून को, उनको बीवीएल आ गई 30 जून को, और उनको रिजेक्शन आ गया 1 जुलाई को। उनका प्रीवियस स्टडी था मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स था, मैकेनिकल टेक्नीशियन सेंट क्लेयर कॉलेज थी। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि अभी थोड़ी पीपीएस कम आएगी, सो ऐसा मत कहना कि आईआरसीटीसी ने कम की, लेकिन क्योंकि उधर उनका कनाडा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी वीकेंड आएगा, सो पीपीएस आई डोंट थिंक सो कि आएगी इतनी। फिर ये दूसरी अगर आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पहले तो पूरी देखना। हे दर्शन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, गॉट माई रिफ्यूजल टूडे, नहीं ये नहीं इसके बाद की, सॉरी, अप्लाइड ऑन 29 अप्रैल, बायोमेट्रिक्स उन्होंने किए थे 22 जून को, उनका आज रिफ्यूज हुआ। बैकग्राउंड इनका मेडिकल फील्ड विथ 82% है, आईएलटीएस विथ 8 not less than 7, अप्लाइड इन बायोटेक्नोलॉजी, रीजन वॉज नॉट लिव कैनेडा आफ्टर स्टडी, हाउएवर हैव अ ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ वेरियस कंट्रीज, डोंट शेयर माई कॉन्टैक्ट नंबर, आई होप यू गेट योर पीपीआर सून, एंड थैंक यू यार। मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपकी प्राइवेसी की पूरी सिक्योर करूँगा, मैं किसी को भी आपका नंबर शेयर नहीं करूँगा अगर आप मेरे साथ आपकी पीपीआर शेयर करते हो तो, पीपीआर या तो रिफ्यूजल जो आता है वो। फिर ये एक इंपॉर्टेंट है, हे दर्शन माई नेम इज़ रोहन घटपंडे, ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इश्यू होगा, योर वीडियोज हैव हेल्प्ड मी अ लॉट विद अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक्स फॉर योर योर इतने अच्छी बात के लिए। एज आई रिसीव्ड माई पी पी आर यस्टरडे नाइट, आई थॉट टू सेंड यू माई टाइमलाइन सो यू कुड हेल्प अदर्स। इनका आप देख सकते हो, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी थी, MSc इन हेल्थ, आईएल्टीएस में स्कोर थे रीडिंग में 9, लिसनिंग में 8.5, राइटिंग में 8, स्पीकिंग में 7, ओवरऑल 8 मेन थे। फाइल उन्होंने लगाई थी 1 जून को, मेडिकल उनका हुआ था अपडेट 23 जून को, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 25 जून को, उनको बीवीएल आ गई 30 जून को, और उनको पीपीआर आ गई 1 जुलाई को, एंड दैट टू विथ अ कंडीशनल ऑफर लेटर एंड मिसिंग फाइनल ईयर मार्कशीट। इनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट भी नहीं थी। फिर मैंने उनसे पूछा, नो दैट्स द कैच, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय फाइनल ईयर मार्कशीट, सो आई कुड ऑनली प्रोवाइड अ कंडीशनल ऑफर विथ इंटरिम मार्कशीट्स एंड बोनाफाइड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, माय फाइल वाज स्टिल अप्रूव्ड, आई वाज स्केप्टिकल बट समहाउ आई पुल्ड इट ऑफ एंड एग्जैक्टली, बट द थिंग इज दैट आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सो आई हैव कम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट, एंड आई रिसेंटली कम्प्लीटेड माई MBA सेम फील्ड एंड अवेट माई रिजल्ट फॉर दिस MBA, आई हैड ओनली 2 marksheets आउट ऑफ 4, सो मे बी आई वॉज मेड एन एक्सेप्शन और वॉज मोर कंसर्न विथ माई बैचलर्स, आई कॉन्ट बी श्योर, बट मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अप्लाइड विथ कंडीशनल ऑफर एंड मार्कशीट्स अप टू 7 semesters अलॉन्ग विथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ऑल ऑफ देम रिसीव देयर रिस्पेक्टिव अप्रूवल्स, so this notion about conditional letter is totally wrong, if you have consistent grades and supporting documents, so मैं इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, कई कई बार अगर आपकी मार्कशीट मिस हो रही है लेकिन जो आपके जो आपने जो मार्क्स सबमिट किए वो एकदम स्ट्रॉन्ग है, इनके आईएल्स की प्रोफाइल भी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो यू नो ही गॉट हिज अप्रूवल, सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और कल एक स्टूडेंट ने मेरे साथ ये शेयर की थी, हेलो दर्शन भाई, मैंने कल अपने सेकेंड डोज कोविशील्ड की लगवाई है और मुझे फाइनल सर्टिफिकेट भी मिल गया, और एक न्यू चीज़ की मुझे CMO ऑफिसर से एक और कंफर्मेशन लेटर मिला है जो मैं अटैच कर रहा हूँ, और मुझे CMO ऑफिस में बताया गया कि आपको ये भी रिक्वायर्ड होगा एयरपोर्ट पे, सो ये आप देख सकते हो, फाइनल सर्टिफिकेट कोविड डिसीज टू सर्टिफाई मिस्टर सार्थक नंद श्रीवास्तव रिसाइडिंग एट बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड बंसल हॉस्टल लखनऊ, हैज बीन फुली वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड वैक्सीन ऑन 1 जुलाई, उनका नेम और ये सब, अभी इसमें इनका यू नो स्टैम्प है एंड सिग्नेचर है, अभी ये कहाँ तक ट्रू है वो तो 5 जुलाई के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं आपको डराने के लिए अभी इससे बहुत सारे लोग पैनिक मत कीजिए कि आपका कोविन का है, बहुत सारे लोगों का कोविन का ऐसा ऐसे मैंने पहली बार एक देखा है, लेकिन ये तो एक अपडेट थी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और फिर अगर आप ये दूसरी टाइमलाइन देखो तो 12 अप्रैल को फाइल लगाई, मेडिकल 9 जून को हुआ, बायोमेट्रिक 29 जून को हुआ, और उनको कॉरेस्पॉन्डेंस 1 जुलाई को आ गया एंड रिफ्यूज़ल 2 को आ गया, वीज़ा उन्होंने लगाया 12 मई को, मेडिकल अपडेट हुआ 10 जून को, बायोमेट्रिक्स अपडेट हुए 29 को, और उनको रिफ्यूज़ल आ गया 2 जुलाई को। और कल हेल्थ कनाडा की तरफ से ये ट्वीट आया था जो मैं आप सबको अभी स्टार्टिंग में कह रहा था कि एलिजिबल ट्रैवलर्स टू कनाडा मस्ट सबमिट देयर COVID-19 इन्फो इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अराइव कैन प्रायर टू अराइवल, एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ अराइव कैन विल बी रिलीज ऑन July 5, मेक श्योर यू हैव द लेटेस्ट वर्जन। सो जैसे ही July 5 आया आप अपने प्ले स्टोर या तो ऐप स्टोर में जाके देख लेना, अगर आपने ऑटो अपडेट ऑन नहीं की तो अपडेट कर देना अपना ऐप, एंड बाद में अगर कोई भी स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है
सी आई एम नॉट ट्रैवलिंग, सो मेरे पास अगर आप प्लीज़ यार आपसे हो सके तो आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल की ऑन करके मुझे अगर आप क्लिप भेजना चाहो तो इट विल बी ग्रेट हेल्प टू अदर स्टूडेंट्स। मैं इधर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स डिस्क्लोज ना हो। अगर आप एडिट करके भेजना चाहो तो एडिट आप हाइड करके भेज सकते हो, एंड इफ़ यू आर शेयरिंग विथ मी विदाउट अनएडिटेड देन आई विल मेक श्योर कि कोई भी आपकी यू नो सब कुछ मैं हाइड कर दूंगा। इट्स जस्ट यू नो थिंक कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, क्योंकि मैं तो ट्रैवल नहीं कर रहा, अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो ज़रूर यू नो इट विल बी अप्रिशिएटेड कि अगर आप शेयर करते हो तो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो, और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट करो दैन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही कैनेडा रिलेटेड अपडेट शेयर करता रहता हूँ यू नो डेली बेसिस पे। एंड कल ही हमने 7K कम्युनिटी क्रॉस की, सो थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव टू यू नो आवर चैनल, एंड होप सो कि आगे हम ऐसे ही बढ़ते रहे एंड मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूँ। So that's all. Thanks for watching and I hope it helps. Dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it.